तारणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उपजायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम् आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 102वें श्लोक पर अपनी चर्चा प्रारंभ हो रही है। इस श्लोक में पांच प्रकार के पाप में से तीसरा चोरी नामक जो पाप है उसका वर्णन किया। हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी और परिग्रह, चोरी ये जो शब्द हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम तो काले कपड़े पहन करके अंधेरी घनी काली रात में जब लोग सो रहे हो तब उनके घर में से कुछ माल सामान लेने जाते ही नहीं है, हम चोर है ही नहीं। चोरी की परिभाषा तो आपने सुनी होगी, इसी के संबंध में यह श्लोक है। जे प्रमाद कसाईना योग थी आप्या विना सुवर्ण वस्त्रादि परिग्रह नु ग्रहण करे छे तेने चोरी जाणवी जोईए अने तेज वधनु कारण होवाथी हिंसा छे। जो प्रमाद कसाई के योग से दिए बिना सुवर्ण वस्त्रादि परिग्रह का ग्रहण करना, सबसे पहले ये परिग्रह का ग्रहण करना, परिग्रह के बारे में थोड़ा समझ ले तो चोरी के बारे में समझना सरल होगा, क्योंकि यहाँ खास परिग्रह शब्द का प्रयोग किया है और हिंसा शब्द का भी प्रयोग किया है। तीसरा पाप है चोरी, मगर तीसरे पाप में पांचवें पाप का भी नाम आ गया परिग्रह और पहले पाप का भी नाम आ गया हिंसा। किसी के परिग्रह को ले लेना ये चोरी है
क्योंकि उससे हिंसा होती है। ये पांच, तीन और एक, ये इसका स्वरूप थोड़ा समझे। सबसे पहले परिग्रह, आपने 24 परिग्रह के नाम सुने हैं, उनमें शरीर को परिग्रह के रूप में नहीं कहा, अपना शरीर। अपना शरीर है वह परिग्रह नहीं है, क्योंकि शरीर यदि परिग्रह होता तो अरिहंत भगवान भी परिग्रही होते, और अरिहंत भगवान परिग्रही होते तो अरिहंत भगवान पापी होते, और पापी होते तो पापी को केवल ज्ञान कैसे होता? यहां तो ये कहते हैं कि पुण्य का भाव भी रहे तब तक केवल ज्ञान नहीं होता, पूर्ण वितरागता नहीं होती। तो अरिहंत भगवान को, तीर्थंकर परमात्मा को, जो शरीर है वो शरीर के साथ में होने पर भी शरीर परिग्रह नहीं है। अब आगे, ये शरीर परिग्रह नहीं है, मगर दूसरों का जो शरीर है उसे परिग्रह कहा। जैसे बहिरंग परिग्रह में दास और दासी, तो नौकर चाकर जो कहते हैं ना, उसका जो शरीर है वो जो उसे परिग्रह कहा। अपना शरीर परिग्रह नहीं है, मगर दूसरों का शरीर है वो परिग्रह है। मुनिराज इन समस्त परिग्रहों को छोड़कर वन विहारी हुए। आपने ये भी सुना होगा, किसी की पड़ी हुई रखी हुई वस्तु को उसके मालिक की अनुमति के बिना उठा लेना या उठाकर किसी को दे देना, ये चोरी है। अब किसी की वस्तु पड़ी है और उसको उठा करके किसी दूसरे को दे दिया, ये चोरी है। अब इस बात को समझना, मुनिराज जो है, मुनिराज छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनि, पांचवें गुणस्थानवर्ती अविरत अणुव्रति देशविरत सम्यक दृष्टि, और चौथे गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि। तो ये छठे, पांचवे और चौथे, ये तीन गुणस्थान में, छठे गुणस्थान में तो मिट्टी और पानी को भी मालिक की अनुमति के बिना नहीं लेते, मिट्टी और पानी को भी नहीं लेते मालिक की अनुमति के बिना। पांचवे गुणस्थान में ये छूटे कि जो मिट्टी और पानी को मालिक की अनुमति के बिना ले लेते हैं, और चौथे गुणस्थान में वह भी छूट नहीं, माने वो किसी भी वस्तु को ले तो भी उनका सम्यक दर्शन है, चौथा गुणस्थान है, वो नहीं छूट जाता। किसी की भी वस्तु को उठा ले, अगर उसमें भी कहाँ कहाँ मर्यादा है, कैसी है, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। छठे गुणस्थान वर्ती मुनि और पांचवे गुणस्थान वर्ती देश व्रती श्रावक, इनमें ये मिट्टी और पानी का, ये जो दोनों में, कि छठे में मिट्टी और पानी को भी अनुमति के बिना नहीं लेंगे, और पांचवे गुणस्थान में मिट्टी और पानी को ले सकते हैं। मगर पांचवे गुणस्थान में मिट्टी और पानी को ले सकते हैं। अब ये दो शब्द सुने ना, तो शब्द सुनकर के अपन क्या करते हैं कि उस शब्द को पकड़ लेते हैं कि पानी को लेने की छूट है। अब जिस समय वो लिखा गया है ना, ये मिट्टी और पानी, उस समय मिट्टी और पानी का ऐसा मूल्य नहीं था, आज पानी ऐसा बिकता नहीं था। आज बिस्लेरी की बोतल मानो किसी ने खरीदी, अब वो पानी है बिस्लेरी की बोतल, और वहां पर उसने रखी, तो पांचवे गुणस्थान में तो मिट्टी और पानी की छूट है ना, तो उसकी बोतल को उठा लिया क्योंकि पानी की छूट है। ऐसा पांचवे गुणस्थान वर्ती नहीं करेगा। किसी का बिल्डिंग बन रहा है और वहां उन्होंने पैसे देकर के पानी, वहां पानी का जो
टैंक है वो वहां पर मंगवाया और इसने उसमें से ही पानी खोल करके भर लिया क्योंकि पानी की छूट है। किसी का मकान बन रहा है और उसमें वहां पर मिट्टी एक ट्रैक्टर डलवाई थी उसमें से थोड़ी मिट्टी लेकर के चले गए क्योंकि मिट्टी की छूट है। ऐसा करके उस शब्द को नहीं पकड़ना और इस भूमिका में हमें क्या करना है ये सब आज हम समझने जा रहे हैं चोरी के संबंध में। किसी की वस्तु को आपने उठा लिया और उठा करके किसी को दे दिया तो ये चोरी हो गई। अब कोई वस्तु आपने ऐसी ली कि अभी जिस भूमिका में हम रहते हैं इस स्थिति में ये पूरा प्रकरण चलने के बाद में आपको ये पता चलेगा कि हमें क्या करना है क्योंकि कदम कदम पर चोरी हो रही है। चोरी तो हो ही रही है यहां आप प्रवचन सुनने के लिए बैठे और बाहर आपके जूते चप्पल पड़े हैं। अब जूते चप्पल उसमें से ऐसा हुआ कि जूते लेकर के कोई कुत्ता चला गया। अब दुर्भाग्य ऐसा आपका कि एक एक करके दोनों लेकर के चला गया। अब आप इधर ढूंढते रहे कुत्ता खेलते खेलते दोनों जूते लेकर के चला गया। आप इधर बाहर निकले आपने देखा कि आपके जूते नहीं है। अब वहां से रास्ते पर किसी को वो जूते मिले जिस आदमी को जूते मिले उसने वो जूते उठा लिए। जूते का मूल्य था 10,000 रुपये। अब उसने क्या किया कि वो 10,000 रुपये के जूते जिस आदमी को मिले उसने उसको पता है कि ये 10,000 का ऐसा ऐसा मगर उसको तो भी पैसा कैसे निकले कि उसने कहा ये 10,000 रुपये का जूता 200 में खरीदना है तो उसने 200 में बेच दिया। ये इतना महंगा जूता है मगर वो ये बोला नहीं कि ये चोरी किया हुआ है। उसने भी चोरी नहीं की वो तो उसे रास्ते से मिला पड़ा हुआ था और कि जिसने वो 200 रुपये में खरीद लिया अब उसने चोरी की या नहीं की 200 रुपये वाले ने कि ना उसने तो चोरी की नहीं मगर कहीं ना कहीं वो इस चोरी में शामिल है या नहीं मगर उसको तो पता ही नहीं है कि ये इसमें क्या हुआ था। बनो बताया नहीं होता कि 10,000 रुपये का जूता है और मैंने चोरी की और ये जूता तुमको खरीदना है मैं बेचने के लिए निकला हूं तो उसने तो 200 रुपये दे दिए। 200 रुपये देकर के भी उसमें चोरी कहीं ना कहीं छुपी है और ऐसी तो छोटी छोटी घटनाओं में तुम देखोगे तो सुबह से शाम तक हजारों घटना एक एक वस्तु के पीछे मिलेगी जो चोरी के नाम से। और जो अज्ञानी सबसे पहले कि चोरी बंद करो चोरी बंद करो चोरी बंद करो वो पूरा जीवन उसमें गवा देता है और जो करना है वो काम रह जाता है। और इसके लिए आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे ये अचौर्य चोरी को छोड़ना है तो सबसे पहले कहां से शुरुआत होगी क्योंकि एक 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 किसी की वस्तु को उठा लेना। आपने सुना ना वो एप्पल का और सैमसंग का फोन का हुआ था तो सैमसंग वालों ने पूरा जो एप्पल की जो ऐसे वो सॉफ्टवेयर ऐसा वो सब उसकी सब चुरा लिया माने सब देख देख करके उसने अपना ऐसा बना दिया। और वो फोन कितना महंगा बिकता था एप्पल का सैमसंग ने इतना महंगा नहीं मगर उससे थोड़ा सस्ता बेचा वो चोरी। अब जिसने भी वो सैमसंग का फोन खरीदा है सस्ता मिल रहा है एप्पल का तो महंगा है सैमसंग का सस्ता है वो चोरी में शामिल है कि नहीं। अब छुपी तरह से देखो वो कहेगा नहीं मैंने तो पैसे दे दिए मैंने कहां चोरी की
मगर तुमने जब वो माल खरीदा, तुम जानते भी हो कि वो माल इतना महंगा बिक रहा है एप्पल का, और तुम ये सस्ता खरीद रहे हो, फिर भी तुम कहीं ना कहीं उस चोरी में शामिल हो। बाजार में कितनी ही वस्तु ऐसी है, उस वस्तु को जिनको हम खरीदते हैं उनकी अनुमति के बिना ले लेना, उनकी अनुमति ली या नहीं ली। जैसे कि मैं अभी यह प्रवचन में बोल रहा हूं और यह वीडियो कैसेट बन रही, यह वीडियो कैसेट ऑनलाइन रखेंगे और फिर किसी ने डाउनलोड की, तो डाउनलोड की उस पर अधिकार किसका? उस पर अधिकार मेरा, मेरा अधिकार। तो किसी को भी सुनने से पहले मेरी अनुमति लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? यदि ये अनुमति लेनी चाहिए, न ले तो चोरी, क्योंकि बिना अनुमति का वो सुन रहा है। मेरी अनुमति ले, एक बार ले ले कि मैं सुनू, वो अपना कर्तव्य एक बार निभा, नहीं तो चोरी, क्योंकि मैंने तो आपके लिए बोला, और वो कौन सुनेगा किसके लिए, उसको अपना व्यवहार भी तो निभाना चाहिए। यदि ऐसा होता ना तो क्या होता, हम इतने बड़े अपराधी होते? क्योंकि ये तो वीडियो की बात है। अब ऐसे ही फोटो, अब मेरी फोटो यहां पर खींच ली और साथ में 25 लोग खड़े, अब किसी ने मुझे पूछा कि आपकी जो फोटो हमने खींची है कल अखबार में छपाएंगे, परमिशन है? तो मैंने दे दी कि हाँ ठीक है, छाप देना। मगर साथ में और 100 लोग थे, उसकी भी छप गई। अब एक एक की परमिशन लो, क्योंकि फोटो छपी है, नई परमिशन ली तो वो चोरी, क्योंकि उस पर सभी का कॉपीराइट है, जिन जिन की वो तस्वीर है सबका कॉपीराइट है उस पर। यहां जीना मुश्किल हो जाएगा, क्यों? ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि जिनकी तस्वीर रखो उनकी परमिशन लेनी ही पड़े, तो कौन जाएगा विनय क्षेत्र सिमंदर भगवान की परमिशन लेने, और कौन जाएगा सिद्धशिला पर महावीर भगवान की परमिशन लेने? ये संभव न होगा। कौन जाएगा? पूज्य गुरुदेव श्रीकांत जी स्वामी, परम कृपालु देव की परमिशन लेने, ये तस्वीर जो हमने यहां रखी है, क्या उनको पूछा था कि आपकी तस्वीर यहां रखे? हमने मन से ही समाधान कर लिया, नहीं नहीं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं नहीं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि परम कृपालु देव यहां आते और देखते ने, तो उन्हें होता कि ये लोग क्या कर रहे हैं इस तस्वीर के साथ में। ये जो आजकल आप देखते ना, परम कृपालु देव की तस्वीर पर मुकुट पहनाते हैं और गले में हार पहनाते हैं, ये सब ऐसा मुकुट भी आ गए और हार भी मोती के, ऐसे मैंने ऐसे ऐसे गहने परम कृपालु देव देखते कि ऐसा तो मैंने एक तो दृश्य बताओ जिसमें मुकुट मैंने कभी अपने जीवन में पहना हो, ऐसा एक दृश्य तो मुझे बताओ। तो परम कृपालु देव को ऐसा होगा, मगर आज ये हो रहा है, ये संभव न होगा। किसी की वस्तु को उठाकर ले लेना, एक एक की परमिशन लो, एक एक जीव के पास। तुमने लौकी की सब्जी बाजार से खरीद कर लाए, उसको काटने की परमिशन किससे ली? क्या तुमने उसको पूछा? क्या उसने परमिशन दे दी? ये जब तुम बार बार ये सब सुनोगे ना, तब फिर ऐसा होगा, कामनी बात करो ना, हमारे सुख कर दो, हमें क्या करना चाहिए ये हमें बताओ। क्योंकि ये तो ऐसा, अभी थोड़े दिन पहले मेरी एक वीडियो बनी, और वीडियो बनी, मैं कहीं गया था, उन्होंने वीडियो बनाई, और वीडियो में मैं हूं, तो मैंने, और वो वीडियो किसकी, कि मेरी, तो मैंने किसी को पूछा कि इस वीडियो पर अधिकार किसका, बोले आपका, मगर असली अधिकार तो उनका जिन्होंने ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो बनाने वाले जो है उनको पूछा कि आपकी परमिशन है,
बोले हाँ मेरी परमिशन है। मगर थोड़े दिन के बाद में झगड़ा हुआ, क्योंकि जिसका कैमरा था उसने वीडियो नहीं बनाई थी, बनाने वाला कोई और था और कैमरा का मालिक कोई और था। उस मालिक ने मुझे कहा कि वो जो वीडियो बनाया था वो तो मेरा वीडियो है, भले ना उसने निकाला था, कैमरामैन तो कोई भी हो, वीडियो वो इंस्ट्रूमेंट तो मेरा है और मेरी अनुमति नहीं। अब क्या करें? तो फिर ठीक है, अब मेरे को नहीं चाहिए। फिर उसका भाई आया, बोले नहीं आप ये वीडियो रखो, क्योंकि 50% कैमरे में पैसे मेरे डले हैं और 50% उसके हैं, मेरी परमिशन है। अब इतना 50-50 हो तो आधा भाग कैमरा का, आधी तस्वीर रखो, आधा काट दो, आधा रखो, ये सब संभव नहीं होगा, ये सब झंझट लगेगी। चोरी 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 नहीं करूंगा मैं जीवन में, चोरी नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा। मैं पिछले 2 दिन से इसके बारे में सोच रहा था, आप ज्ञान दीपकों के साथ सत्संग करना चाहता था, इस शरीर की स्थिति के कारण बोला नहीं जा रहा था, फिर भी आज आया हूं। જ્યાં આપણે રહીએ છીએ ત્યાં એવી સ્થિતિમાં એક એક વસ્તુ જેમાં તકલીફ તો રહેવાની, એક વાત મેરે કો સ્મરણ મેં આવી જો 2 દિન સે મેં બોલતા હું, તકલીફ તો રહેવાની, આ સૂત્ર છે, આ સૂત્ર, તકલીફ તો રહેવાની। आप यहां आए, आप यहां बैठे, बैठे पूछ करके बैठे या नहीं, किसी की वस्तु को उठा लेना ही नहीं, किसी को दे देना, ये चोरी, इनकम टैक्स की चोरी, सेल टैक्स की चोरी। अब कोई मुझे यह पूछता है कि शास्त्र में तो इनकम टैक्स का लिखा ही नहीं है, अब जब लिखा तब वो इनकम टैक्स वाला वो वर्ड ही नहीं था, तो शब्द से मत पकड़ना इनकम टैक्स की चोरी सेल, वो जिस भूमिका में अभी जहां जहां हम रहते हैं उस भूमिका अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए और प्रयोजन भूत कार्य पहले कर लेना चाहिए, व्यर्थ के विखवाद में अटकने से पहले, क्योंकि जिसके लिए ये मनुष्य जीवन मिला है, छोटा बच्चा है, घर का मालिक है, बाप है, बाप के नाम पर पूरा मकान है, अब बच्चा ये सब कुर्सी है, टेबल है, सब बाप के नाम पर, बाप ने पैसे खर्च किए, अब बेटा एक एक पिताजी ये कुर्सी का उपयोग करूं, पिताजी ये टेबल का उपयोग करूं, ये बार बार ये पूछने जाने की जरूरत नहीं है। अब पिताजी एक कह रहा है ठीक है बेटा सब तेरा ही है, और फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है इस वस्तु को तूने हाथ क्यों लगाया, तो बेटा कहता है आपने तो कहा था जो है सब तेरा ही है, नहीं इसके लिए नहीं कहा था, तो खुलासा करना चाहिए ना। अब एक एक का खुलासा कहां करने जाए, घर में हजारों वस्तु है, कोई वस्तु नहीं आई थी, कीमती थी, तो उसके लिए नहीं कहा, तो बच्चे ने उठा लिया। तो ऐसा एक छोटी छोटी बातों पर अभी जहां तुम रहते हो उस पर जोर मत दो, नहीं तो क्या होगा, तुम जिसके लिए यहां आए हो वो काम तुम्हारा रह जाएगा। मेरा सिर्फ तुमसे इतना ही कहना है, स्वच्छंदी होने के लिए नहीं कहता हूं, क्योंकि पूरी की पूरी शक्ति, पूरा का पूरा अटेंशन जब तुम्हारा बाहर की क्रियाओं पर, और वो भी ऐसी क्रिया कि जो 5वें गुण स्थान तक भी जो नहीं छूटता है, ऐसा पाप उस पर तुम अभी जोर देकर के बार बार उस पर ध्यान दोगे, तुम्हें जहां फोकस करना है, ध्यान देना है, वो नहीं दे सकोगे। अभी इसके लिए जिस प्रयोजन से यहां बैठे हो वो प्रयोजन तुम अपना सिद्ध कर लो, और वो प्रयोजन है जिससे अणुव्रत, जिससे महाव्रत का सहज पालन होता है, ऐसे सहज चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध हो,
और ये मत मानो कि ये पाप तुम न छोड़ोगे तो तुम्हें अनुभूति नहीं होगी। ये मान करके ही तुम पहले जोर देते हो कि पाप करना छोड़ दो, पाप करना छोड़ दो। पूरा जोर उस पर ही होता है, ये पाप करना छोड़ दो। भरत चक्रवर्ती, क्षायिक सम्यक दृष्टि, ये उनकी नकल करने के लिए नहीं कहता हूं, मगर उनके भाई की जो जमीन थी वो भी लेने का भाव आ गया। उसका असली हकदार कौन था कि बाहुबली। पिताजी से जो जमीन मिली थी वो तो बाहुबली की जमीन थी, मगर ये भी मुझे, अब ऐसा भी भाव आता है किसी पराए की। उनको पता नहीं था पराए की वस्तु को ले लेना, उठा लेना ये चोरी है, ये उनको पता था, सब जानते थे, मगर उनका जोर जो था ना, उस समय भी जोर था, वो चैतन्य तत्व पर जोर था। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं, तुम मेरी बात को गलत मत समझना, स्वच्छंदी होने के लिए नहीं, तुम अपनी शक्ति और समय व्यर्थ में मत गवाओ। तुम मेरे साथ बैठो, तुम मुझसे ये पूछो कि इस भूमिका में मैं क्या करूं। मैं बहुत बार तुम्हारी कसौटी लूंगा, तुमसे तर्क करूंगा, वितर्क करूंगा, कुतर्क करूं, ये देखने कि तुम क्या चाहते हो। और तब पता चल जाता है कि तुम, और फिर मैं तुमसे ये भी कहूंगा, अब इन सब से बाहर निकले बिना, इन सब से, ये तर्क वितर्क कुतर्क से बाहर निकले बिना तुम्हारा हित ना होगा। प्रयोजनभूत बात करो, हवा लेते हो, हवा लेते हो, ये हवा के भी पैसे हैं, हवा के भी पैसे हैं। अब किसी के घर में बैठे और वहां पर तुरंत ही, ये तो अपन को आजकल तो लगता ही नहीं है, तुरंत ही अपनी बैग में से चार्जर निकाला, मोबाइल की बैटरी देखी कि 4% है, कि चलो तुरंत ही प्लग कर दिया और वहां आधे घंटे बैठे रहे। उनको पूछा ही नहीं था कि चार्जिंग करूं, वो चोरी नहीं की इलेक्ट्रिसिटी की? तो ये सब छोटी छोटी बातों में ये सब करने, और कभी कभी तो झंझट इसमें ज्यादा हो जाती है। आप किसी को पूछो ना कि मैं चार्जिंग करूं, ये हमको ऐसे समझते हो कि चार्जिंग के लिए भी पूछना पड़ा, इतने दूर के हैं हम, ज्यादा झंझट। फिर वो विकल्प होगा, इन एक चार्जिंग के लिए भी वो पूछते थे कि चार्जिंग करूं। और किसी लोगों को ऐसा भी, कुछ कुछ लोगों को, इसलिए जहां तुम्हारा जैसा रिलेशन हो, जिस प्रकार हो, मूल बात यह है कि विकल्पों से बचना है, व्यर्थ के विकल्पों से बचना है। बाकी शरीर है तब तक हवा भी लेनी पड़ेगी, ये तुम्हारी नहीं है, हवा भी लेनी पड़ेगी। हवा 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 में तो हवा ले ही सका है, हवा ले सकते हैं ना, हवा तो ले सकते, बिना पूछे ले सकते हवा, क्या हवा बिना पूछे ले सकते? अब ऑक्सीजन की बोतल पड़ी थी, वो लेकर के आ गए, क्योंकि ऑक्सीजन माने हवा, और डॉक्टर हॉस्पिटल के लिए थी ऑक्सीजन की बोतल, तो ऑक्सीजन तो फ्री में, हवा तो फ्री में, ऐसा नहीं चलता। तो चोरी तो छोटी छोटी बातों में, सब जगह चोरी तो है, इसके लिए कहता हूं जब तक इस शरीर के साथ है तब तक त्यासुदी तकलीफ तो रेवानी, तकलीफ तो रेवानी। कल से मैं ये सोच रहा था, तकलीफ तो रेवानी, आ शरीर नी साथे ज्यासुदी रहिए छे त्यासुदी तकलीफ रेवानी, तकलीफ तो रहने ही वाली, तकलीफ तो रहने ही वाली, इस पर ही तकलीफ तो रहने ही वाली, तकलीफ तो रहने ही वाली, तकलीफ तो रेवानी। मुझे बात ये स्मरण में आई थी जो मुझे आप ज्ञान दीपकों से कहनी थी, बचपन की ये बात, सात तारीख के दिन रात को ये विचार आया था, सात तारीख थी, तीसरा महीना था, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मुझे ये विचार आया था
कि 8 बरस का बच्चा बच्ची सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता, तो वो गर्भकाल सहित वो 8 बरस। वैसे देखे तो जन्म होने के बाद में तो 7 बरस और 3 महीने ऐसे, वो 7 तारीख और तीसरा महीना था, तो मुझे वो 7 बरस और 3 महीने वो विचार में आए थे। और एक घटना स्मरण में आई थी, 2 रुपये एक बार मुझे घर से मिले थे, और एक बार 2 रुपये घर से मिले थे, 8-1 बरस का होऊंगा, तो 4 रुपये लेकर के मैं कपड़े खरीदने गया, एक कपड़ा दुकान, कपड़ा दुकान एटले 2 रुपया नी चड्डी लीधी, 2 रुपया नी टी शर्ट, અમારો આ છે ને આપણે અહીંયા વેચાય છે, હવે પેલા વેચાતા હતા 2-2 રૂપિયાના। એક ભાઈ નવાનીઓ સેકન્ડ હેન્ડ, તો ઓ કપડે લેને ગયા ઓર 4 રૂપિયે કે જોડી લેકર કે આ ગયા, આમ 4 રૂપિયાના કપડા, કોઈ કે ભરણ ઉતાર દીધા હોય જૂના હોય, પણ મારા માટે તો નવા હતા ને, આમ આનંદ આવ્યો, આજે કપડા લઈને આવ્યો, કપડા લેકે આયા, કપડા લેકે આયા, કપડા લેકે આયા, નયા કપડા પહેનુંગા, નયા કપડા ઘર પર લેકર કે ગયા, તો પતા ચલા કે જો બેઠને કી જગહ ઉસ પર હી પીછે ફટા હુઆ, ઇતના જ્યાદા ફટા હુઆ। બોલે અરે દેખો, अब उसमें सिलाई वगैरह बाने कर दिया, रफू बफू जे करवा तू बधु करी दीधु, पर तोय पाछु फाटी जाए, फाटी जाए, गम्मे एटलो आम करो, कितना ही करो तो भी वो फट जाते। तो त्यारे बाबू आ जूना कपड़ा लई तकलीफ तो रेवानी, ये विचार ऐसा आया था कल, અને પરસો રાત કો વો 7 બરસ ઓર 3 મહિને, ઓર ફિર કલ 8 તારીખ કો સુબહ, યે તકલીફ તો રેવાની, તકલીફ તો રેવાની, તકલીફ તો રેવાની। શરીર છે ને ત્યાં સુધી નાની ઘટનામાં તમે ક્યાં તમે ધ્યાન રાખશો, તકલીફ તો રેવાની, એનું કારણ શું હતું? एक ही कारण था कि वो कपड़ा जो था ना वो पुराना था, और उसको पुराना माने सेकंड हैंड था, और जो सेकंड हैंड कपड़ा होता है ना उसमें तकलीफ तो होती है, सेकंड हैंड कपड़ा। एक भाई तो ऐसे थे, वो लेकर के आए और पूरा ऊपर से इस्त्री किया हुआ सेकंड हैंड कपड़ा, ऐसा इस्त्री किया हुआ शर्ट और प्लास्टिक की थैली में, बिल्कुल चमकती हुई प्लास्टिक की थैली, और घर पर लेकर के आए तो ये ही नहीं, बायूद नहीं, ये सत्य घटना है, इनको पता है, देखो हंस रहे हैं, ये ऐसा हुआ तो सेकंड हैंड कपड़े में तकलीफ तो रहवानी, सेकंड हैंड कपड़ा में तकलीफ तो रहवानी। એટલે આ થાય ને આ સૂત્ર તમે આમ એવી રીતે કઈ પણ થાય ને ઠંડી લાગે છે, શરીર લઈને બેઠા છીએ ને, તકલીફ તો રહેવાની, તરત જ આમ સમાધાન થઈ જશે તમને, આ ટુક ઇન ટચ ચાવી, આજના આ સત્સંગનો સાર, તકલીફ તો રહેવાની, તકલીફ તો રહેવાની, આટલું તો ગુજરાતી આવડવું જોઈએ, તકલીફ તો રહેવાની, તકલીફ તો રહે નહીં વાલી, सुन सुन के थक गए ने, कोई बात नहीं, तकलीफ तो रेवा वांदो नहीं, तकलीफ तो रेवा। ये सेकंड हैंड कपड़ा जो है ना, सेकंड हैंड कपड़ा, उसमें ऐसा हुआ था, वो बचपन की बात, मगर वो सेकंड हैंड नहीं होता और थर्ड हैंड होता तो, माने किसी ने पहना, फिर किसी दूसरे ने पहना, और फिर मैं खरीद कर लाता, थर्ड हैंड होता तो कैसा कपड़ा होता, और फोर्थ हैंड होता तो, फिफ्थ हैंड होता तो,
तो जो कपड़ा सेकंड हैंड है उसमें इतनी तकलीफ, तो ये शरीर का जो ये कपड़ा, ये सेकंड हैंड है, ये थर्ड हैंड है, ये इनफाइनाइट हैंड है, माने अनंत जीवों का ये शरीर, अनंत जीव इस कपड़े को पहले पहन चुके हैं, और जिस कपड़े को अनंत जीव पहन चुके वो कपड़ा जब मैं पहनूं तो क्या होगा? तकलीफ तो रेवानी, ये तकलीफ तो रेवानी, शरीर की स्थिति आवी थाय तो एवी रीते तकलीफ तो रेवानी, तकलीफ तो रेवानी। मेरी तबीयत बहुत खराब है, ये खराब तबीयत है बहुत, तब बहुत तबीयत खराब, तब तुम्हें क्या भावना चाहिए? क्या क्या तकलीफ तो मर करके किधर जाओगे? कोई इतना तड़पता है बोलते बोलते, समझाते समझाते, और तुम ये सोचते हो तकलीफ तो रेवानी, तो तुम्हें तकलीफ रहने वाली है। क्यों? क्योंकि भटकोगे, इतने निश्चयाभासी हो गए। जो दूसरों की तकलीफ देख करके ये सोचे कि तकलीफ तो रहने ही वाली है, दूसरों की रहेगी या नहीं रहेगी, मगर ये सोचने वाले की रहेगी, क्योंकि उसमें इतनी भी करुणा नहीं, वो अपनी तकलीफ बढ़ा रहा है, दूसरों की तकलीफ हो ना तब ये मत सोचना, खुद को जब तकलीफ हो तब ये सोचना कि तकलीफ तो रहने वाली है, दूसरों के लिए ऐसा मत सोचना। दूसरों के लिए सोचना बहुत आसान है, खुद पर घटित करना, दूसरों को पीड़ा होती हो ना तो दवाई दे दू, सिर दबा दू, पैर दबा, ये ऐसा, यहां एक दूसरे साधर्मी के लिए ऐसा, मगर जब खुद को इतनी जलन होती हो तब ये कि बस देह धारण करके बैठे हैं, ये स्थिति में है, तब ऐसा होगा। तो जब यहां गृहस्थ की भूमिका में, जिस स्थान पर, जिस जगह पर हम यहां रहते हैं, जिस उस भूमिका में ऐसी स्थिति है कि तुम चोरी से बच न सकोगे, चोरी तो होगी, तकलीफ तो कहीं ना कहीं ऐसी हो ही जाएगी, कहीं ना कहीं पूरा, मगर इतना समझना जरूरी है कि चोरी किसे कहते हैं, जिससे कभी भ्रम न हो जाए कि मैं पाप से छूट गया। चोरी करने में हिंसा होती है, ये इस श्लोक में ये कहा, चोरी करने में हिंसा होती है। अब चोरी को हिंसा से क्या लेना देना? चोरी की तो हिंसा होती है, और हिंसा आपने सुनी होगी दो प्रकार की हिंसा, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। और भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा, ये किसकी हिंसा? अपनी की, पराये की, दोनों की। तो चार बात हो गई, देखो भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा और अपनी भाव हिंसा, अपनी द्रव्य हिंसा, पराये की भाव हिंसा और पराये की द्रव्य हिंसा। चोरी करने में ये चार हिंसा होती है, इसलिए चोरी से छुटना चाहिए। अब कैसे इसको समझो? देखो इसमें ऐसा है, किसी की वस्तु को मालिक की अनुमति के बिना उठा लेना, यह चोरी है। अब एक आदमी ने क्या किया, हार पड़ा है सोने का, उसका मालिक वहां नहीं है, मालिक कहीं बाहर गया, और यह आदमी कमरे में है। ये चार बात समझना बहुत सूक्ष्म है, एक चोरी में चार प्रकार की हिंसा किस प्रकार से होती। मालिक बाहर गए और ये हार पड़ा था, उसने हार को लिया और अपनी जेब में डाल दी,
अब क्या हुआ कि ये जो अपनी भी हिंसा और दूसरे की भी हिंसा, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा, अपनी भी और दूसरे की भी, तो अपनी भाव हिंसा यहां से शुरुआत करो। अपनी भाव हिंसा वो कैसे हुई? चोर की भाव हिंसा, कि ये जो उठा लेने का जो भाव आया ना, कि ये वस्तु को मैं उठा लूं, ये चोरी करने का जो भाव आया, ये भाव का नाम हिंसा है। क्योंकि उस भाव के काल में निर्विकल्प अनुभूति हो रही थी। वो भाव कौन सा भाव था? अशुभ भाव। तो अशुभ भाव हो, शुभ भाव हो, आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है। तो ये जो विकल्प उत्पन्न हुआ, विकल्प की उत्पत्ति हुई, यही हिंसा है। ये भाव हिंसा, अपनी भाव हिंसा। अब द्रव्य हिंसा, अपनी द्रव्य हिंसा। अब उसने जब हार उठा लिया, द्रव्य हिंसा का मतलब क्या? कि प्राणों का त्याग करना। तो प्राणों का त्याग करना, 1,00,000 रुपये का हार था, ले लिया, चला गया, मगर उसे अंदर से खटकता है कि अरे मैंने बहुत बुरा किया, मैंने चोरी की। मैं ऐसा चोर? आपने सुना ना, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अपराधी हो ना, कितना बड़ा ऐसा अपराध हो जाए ना, फिर वो अंदर से इतना हीनता का भाव होता है कि दुनिया को मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, कि फिर वो क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। तो किसी को दुनिया को कैसे मुंह दिखाऊंगा इस कारण से, या तो फिर अंदर ही अंदर अपने को हीनता का भाव आ रहा था और फिर उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, जहर खा लिया, या तो कैसे भी करके अपने प्राणों का घात कर दिया और मर गए। ये द्रव्य हिंसा हुई, ये अपनी द्रव्य हिंसा हुई, ये चोरी में। तो चोरी करने के भाव से अपनी भाव हिंसा, चोरी करने के कारण अपनी ही द्रव्य हिंसा। अब चोरी करने के कारण दूसरे की भाव हिंसा, क्योंकि जब वो मालिक आया अंदर और मालिक ने देखा कि हार नहीं है, तो उसके प्राण को भी तो पीड़ा पहुंची कि अरे मेरा हार कहां गया। तो वो जो विकल्प की आग में जल रहा है, वो उसकी दूसरे की भाव हिंसा। और अरे मेरे पास में तो यही सब कुछ था, और फिर उसने आत्महत्या कर ली, तो वो पराये की द्रव्य हिंसा। तो चोरी करने में अपनी भाव हिंसा, अपनी द्रव्य हिंसा, पराये की भाव हिंसा, पराये की द्रव्य हिंसा, ये सब चोरी करने में छुपा हुआ है। इसलिए चोरी से छूटने को यहां कहा है। इतना ये सूक्ष्म विषय है। कितना चोरी से बचना, मगर चोरी से बचने से पहले ये जब तक न जाने कि मैं कौन हूं, तब तक चोरी से छूटा ही नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं छुपा भाव पड़ा रहेगा। जो व्यक्ति बोलता है ना, ये कैसे देखो कैसे चोर चोर चोर, ज्यादा ज्यादा चोरी करने वाले को जो चोर 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 कह के उनको हीन दिखाते हैं, उसमें ही कहीं ना कहीं गड़बड़ी। बर्टन रसल ये कहता था कि कहीं पर भी चोरी हो जाए ना, तो जो आदमी चिल्लाए कि चोर पकड़ो, चोर 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 पकड़ो, कहीं चोरी हो गई हो, और जो चिल्लाता हो जोर जोर से, उस आदमी को पहले पकड़ लेना, क्योंकि ज्यादा संभावना यह है कि उसने ही चोरी की और यह नाटक कर रहा। इसलिए जो व्यक्ति कहता है
નહીં નહીં આપણે ચોરી ન કરવી જોઈએ, આપણે ચોરી ન કરવી જોઈએ, આપણે ચોરી ન કરવી, એ બહુ મોટો ચોર હોય. જ્ઞાની તો કહે છે બધા આત્મા પરમાત્મા છે, કોઈ ચોર નથી, કોઈ ચોર નથી. એસી દ્રષ્ટિ જબ પ્રગટ હોતી હૈ તબ વો એસા ભાવ હી નહીં આતા. એસા ક્યું ક્યું એસા ઉસ સમય વો જો કશાઈ કા ભાવ હૈ ને, ધીરે ધીરે ચોથે ગુણ સ્થાન મેં ચૈતન્ય તત્વ કી યે અનુભૂતિ હુઈ ને, તો અનુભૂતિ હુઈ યે સમજના ઉસકા કારણ ક્યા હૈ. અબ મૂળ બાત કો સમજના, ચાર બજે આત્મા કી નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિ હુઈ और तीन बजे नहीं हुई थी, चार बजे हुई और पांच बजे की स्थिति अब तुम देखना. तीन बजे ये किसी की वस्तु को उठा लो, ये भाव तीन बजे आता था, तीन बजे. और फिर क्या होगा, फिर वो मैं उठा लू, ये मेरी हो जाएगी, बस ये मेरी हो जाएगी, ये मेरी हो जाएगी. ये जो भाव तीन बजे आता था, ये वस्तु उठा लो फिर ये मेरी हो जाएंगी, मैं अपने पास में रखूंगा, फिर मैं किसी को नहीं दूंगा, फिर मैं उससे तो दुनिया में कितना बड़ा हो जाऊंगा, कितना बड़प्पन, ये सब वो तीन बजे. और चार बजे जब अनुभूति हुई, अनुभूति हुई कि मैं चैतन्य परमात्मा अनादि अनंत, ऐसा अनादि अनंत परिपूर्ण हूं. और ऐसा अनादि अनंत परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा जिसमें किसी भी पर वस्तु का प्रवेश नहीं, तो ये भी पर वस्तु है ना, उसका भी प्रवेश नहीं. ये चार बजे अनुभव में आया है कि जो भगवान आत्मा मैं हूं, ये भगवान आत्मा जिसमें तो कुछ है ही नहीं, ये पर पदार्थ की सत्ता ही नहीं, एक परमाणु की सत्ता नहीं. ये चार बजे जो अनुभव हुआ और पांच बजे श्रद्धा है, तो पांच बजे जो श्रद्धा है अब ये वस्तु को उठा लो, वस्तु ये भाव नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि वो जो अनुभूति हुई है ना कि कोई भी वस्तु अनंत काल तक मेरी हो ही नहीं सकती, जो पराई है वो पराई ही रहेगी, तो उठा लो उठा लो, ये जो भाव जो है वो भाव सहज ही छूट जाएगा. भले एक साथ सब नहीं छूटेगा, वो क्रम से छूटेगा, मगर वो भाव छूटेगा. उसका जो मूल कारण होगा, वो मूल कारण वो चार बजे की अनुभूति होगी कि जिस अनुभूति में ये अनुभव में आया है, उस कारण से वो सब प्रकार की चोरी से ही नहीं, सब प्रकार के पापों से ही छूट जाएगा. इसके लिए कहा चौथा गुणस्थान आता है तब पांचवा छठा आए बिना नहीं रहता है. ये मूल जो है, मूल पर जोर देना, तुम्हारा सम्यक दर्शन नहीं अटकेगा. जहां अभी तुम्हें जरूरत है उतना ही तुम यहाँ जोर देना, यही इस श्लोक का प्रयोजन है. प्रमाद और कषाय के योग से दिए बिना ही, किसी ने आपको दिया नहीं हो ऐसे सुवर्ण वस्त्रादि, ये परिग्रह उसको यहां पर स्थूल परिग्रह का ही वर्णन किया है. स्थूल परिग्रह का वर्णन किया है, सूक्ष्म पर यहां पर जोर न देना, क्योंकि इस भूमिका में जहां हम हैं वहां संभव न होगा, संभव न होगा. किसी की अनुमति के बिना किसी की वस्तु को ले लेना. अब जैसे देखो, ये रिकॉर्डर किसी ने मुझे दिया कि आपको मैं भेंट में देता हूं. अब उसने मुझे दिया आज सुबह आठ बजे, आठ बजे मुझे दिया. अब मैं अपने पास में रख सकता हूं क्योंकि उसकी अनुमति से मैंने लिया, उसकी अनुमति से मुझे मिला और मैंने घर पर आकर के घर पे रखा और फिर मैं बाहर गया. दोपहर में 12 बजे वो आदमी फिर मुझे दोबारा मिला,
कि मैंने आपको जो सुबह 8 बजे रिकॉर्डर दिया वो मुझे आपको नहीं देना है, मुझे वापस दे देना, मेरी अनुमति नहीं है अब उसके लिए। अब उसका भाव बदल गया, पहले अनुमति थी और बाद में नहीं है। अब नहीं है तो मुझे वापस दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कि अब उसकी अनुमति नहीं है, अब वो कहे कि मैंने हमेशा के लिए दिया था मगर अब मुझे भाव नहीं है, तो झंझट में पड़े कि नहीं? अब आप देना भी चाहते हैं मगर आप जहां उसे मिले हैं वहां से फिर आपका घर 4 घंटे दूर है, क्योंकि 4 घंटे 8 बजे मिले थे, 12 बजे फिर, अब वो 4 घंटे की दूरी, अब वहां पर जब जाओगे फिर वो निकालोगे तो तब तक वो चोरी का पाप लगेगा कि नहीं? क्योंकि वो वस्तु जो आपके घर में पड़ी है उसकी अनुमति के बिना पड़ी है, वो कहता है मेरी अनुमति नहीं है अब, तो किसी की अनुमति के बिना वस्तु को आपके घर में रखा है कि नहीं? उसकी अनुमति नहीं। ये सब छोटी छोटी बातों में देखोगे ना तो गिनती ही नहीं कर पाओगे, एक एक वस्तु में इतनी। इसलिए एक ही प्रयोजन, चैतन्य तत्व की अनुभूति को उपलब्ध हो तुम्हें सब शंका सब सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। एक ही प्रयोजन, इसलिए मैंने तुम्हें जो कहा, मैंने ये नहीं कहा तुम्हें अणुव्रति, तुम्हें महाव्रति, तुम्हें मैं मुनि बना करके रहूंगा, ऐसी मैंने भावना नहीं पाई। तुम्हें मैं अणुव्रति बना करके रहूंगा ये भी भावना मैंने नहीं पाई। मेरे इस पृथ्वी से विदा होने से पहले भावना भाता हूं 142 ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो, बस वही तो चौथा गुण स्थान है। फिर मुझे कुछ भी न कहना पड़ेगा, तुम देख सकोगे पांचवे के लिए क्या करना, छठे के लिए क्या करना, मगर वो सुनने के लिए तुम व्यर्थ में इतना सब बोल रहे हो, इसके लिए वो जो प्रयोजन भूत है वो तुम सुन भी नहीं पाते हो, प्रयोजन भूत है वो रह जाता है। एक ही चैतन्य की अनुभूति बस, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। प्रयोजन अत्यंत विनयवान होकर के मुझे ये आत्मा के स्वरूप के बारे में बताइए। बस आज सुबह ही मुझे घटना विस्मरण में आई, मैं ज्ञान दीपकों के साथ में था, मैंने थाली में एक आकार बनाया था, ऐसा नीचे ऐसा रखा किशमिश को, खड़ी किशमिश थाली में, और उसके पास में मैंने रखी बादाम, उसके पास में रखे दो काजू, दो बादाम दो काजू, और उसके ऊपर रखा अखरोट, ये सब रखा कि तुम्हारा पहला प्रयोजन ये, तुम्हें क्या करना है ये किशमिश। माने जब शिष्य गुरु के पास जाता है अत्यंत विनयवान होकर के मुझे चैतन्य तत्व की अनुभूति बस, विनम्रता पूर्वक कषाय की ममता के साथ में, अधिकार से नहीं, कठोरता से नहीं, कोमलता से, और फिर गुरु जो कहे उसे सुने, गुरु ने जो लिखा उसे पढ़े और फिर उसका विचार करे, तो फिर अनुभूति होती। वो मैं उन्हें समझा रहा था कि ये किशमिश इतना लंबा किशमिश था, वो जीभ जैसा आकार था ऐसा किशमिश का, तो बोलने के लिए, फिर वो काजू का आकार था कान जैसा, कि पहले मीठी भाषा बोले और फिर प्रवचनों को सुने और फिर गुरु के लिखे हुए शास्त्रों को पढ़े, बादाम आंख, और फिर विचार करे अखरोट दिमाग। ये सब उनको मैं बता रहा था कि एक एक उसका, और फिर क्या होगा, फिर खाते खाते सब किधर गया, थोड़ी देर बाद किसने पूछा ये सब किधर गया, कि जब ये सब विचार तत्व विचार करोगे तब ऐसा ही होगा कि ये सब शरीर ये किधर गया, क्योंकि तुम तो सिद्धशिला पर विराजमान हो जाओगे,
ये जो जिससे विचार करोगे, चिंतन करोगे, सब पूरा इधर ही रह जाएगा। तुम सिर्फ जोर दो कि मुझे आत्म तत्व की अनुभूति कैसे हो, बस मेरा जोर उस पर ही होगा। ज्ञान दीपकों के लिए आज 102वां ये श्लोक हुआ। 8 बजे सत्संग प्रारंभ आज हुआ, 8:30 बजे के बदले 8 बजे रखा। उसका भी मुझे विचार आया 8 बजे का, अभी ये विचार आया 8 बजे का। 102वां श्लोक था ना, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 8 बजे चालू करना चाहिए। 102 है इसलिए 10-2 तो वो 8 होता है ना, इसके लिए 102वां श्लोक है 102। और आज इसमें हमने मिथ्यात्व भाव से छूटना, यही चोरी से छूटने का उपाय। सुनते सुनते भी तुम्हारी ये दशा प्रकट हो, गायब होने की कला तुम सीख सको। यहाँ शरीर पड़ा रहे मगर तुम यहाँ न रहो, ऐसी अलिप्तता इस देह में रह करके तुम्हें प्रकट हो। हे ज्ञान दीप, मैं आप परमात्माओं के लिए ये मंगल भावना पाता हूँ। आज इतना ही, कल हम आगे की चर्चा करेंगे। 103 श्लोक जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसी विषय को आगे समझने के लिए इसकी चर्चा करें।